नमस्कार दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं अपनी नई यात्रा की तरफ और हमने स्टार्ट कर दी है अपनी चार धाम यात्रा। दोस्तों, चार धाम की पूर्ण यात्रा की जाएगी, जिसमें चारों धामों को वन बाय वन दर्शन कराए जाएंगे आप सभी को। अभी यमुनानगर से कोटा साहिब की तरफ निकले हैं। यमुनोत्री धाम, फिर गंगोत्री, केदार, बद्रीनाथ, अपनी यात्रा स्टार्ट। तो ये अपने दूसरे साथी हैं जो आगे आगे चल रहे हैं अपने साथ, चार धाम यात्रा करेंगे ये। क्या हाल है साहिल? और ये वादियों का मजा लेते हुए, क्या बात है। और ये दोस्तों उत्तराखंड में एंट्री करते हुए ये देख लो यमुना जी, यमुना नदी का जल स्तर। यमुना जी बहती हुई, बारिश हो गई, काफी समय लग गया है, बारिश बहुत जोर से हुई है, इस वजह से काफी समय खराब हो गया। अभी बारिश में ही वेट करके चलना पड़ा, अभी कुछ कम हुई है बारिश, ये देख लो। ये देख लो दोस्तों नजारे, कैसे कैसे नजारे हैं ये नजारे देखो। यहाँ से यमुनोत्री 143 रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत है अभी तक तो दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक कैसा रास्ता है। अभी तक तो बिल्कुल खूबसूरत रास्ता है, देख लो बिल्कुल साफ रास्ता है, आगे देखते हैं कहाँ तक अच्छा है। ट्रैफिक बहुत ही कम है दोस्तों अभी। दोस्तों अभी यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं, 41 किलोमीटर यमुनोत्री। हाँ बर्फ है भाई, बर्फीले पहाड़ दिखाई देने लगे हैं आज। अभी देख लो कैमरे में कैद हो रही हो, बीच बीच में ऐसा पैच है कई जगह। दोस्तों यात्रा ही पास वगैरह बन गया, सारी चीज छोटी छोटी हाथ हुई थी पर कोर्ट से निकलते ही अभी आगे यमुनोत्री की तरफ प्रस्थान करते हुए, और यमुना जी हमारे साथ साथ बहती हुई। ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल दिखेंगे बीच बीच में। वैसे ऐसे हैं ये पत्थर पड़े नकुले हैं। ये देख लो यमुना जी, यमुना जी का रूप। Thank you.
बिल्कुल टूटा हुआ है, ऐसे लंगूर बंदर बैठे हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है भाई। बड़कोट से आगे आओ तो देख लेना रास्ते की हालत है, बिल्कुल चढ़ाई है। काम चला हुआ भाई, तो ये मलबा फोड़ फोड़ के रास्ते बनाए जा रहे हैं। और ये यहाँ पर देख लो रास्ते, ये बारिश के समय ये रास्ते बंद हो जाए हमारे, बिल्कुल कच्चे कच्चे पहाड़ हैं। रास्ते में काम चल रहा है, तो जैसी चीज काम चल रहा है। रास्ते में काम चल रहा था इसलिए काफी टाइम लग गया वहां पर, रास्ते को बनाने लग रहे हैं। और ये है पुजार गांव, पुजार गांव गांव है रास्ते में। रास्ता तो उसके कहीं पर खुला हुआ है, देख लो सामने पहाड़ी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आसमान बादल एक साथ नीला नीला आसमान। हमको दर्शन कराएंगे दोस्तों, आपको बने रहियो चैनल में। गंगोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे दिखाएंगे। रास्ते दोस्तों देख लो, एक तरफ गहरी खाई है बिल्कुल, रास्ता देख लो कितना क्लोज हो गया है, एक तरफ बिल्कुल खाई है। अगर सामने बर्फ से ढके पहाड़ देख लो, अगर दिखाई दे रहे हैं तो पैदल जो, और बीच बीच में वाटरफॉल ऐसे ऐसे करने मिलेंगे देख लो। और रास्ते देख लो कैसे बना रखे हैं, रास्ते बड़े ध्यान से गाड़ी चलाओ आप, कभी आओ तो यहाँ बिल्कुल आराम से गाड़ी कंट्रोल हो सके, हर मोड पे आराम से हॉर्न का इस्तेमाल करें। बिल्कुल रास्ते तंग है, एक तरफ गहरी खाई है, आप इंजॉय करो रास्ते को। आगे कुछ भी दिखाई देता है मोड़ से आगे क्या है, इतने क्यों लोग हैं, तो पतला रास्ता है। रेन चट्टी, यहाँ से जान की चट्टी रह जाता है 15-16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल माता तो। मुझे देखा था
देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है भाई, यहाँ चेक पोस्ट है कि यहाँ पर गाड़ी नंबर आपका कौन कौन है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं, अपना टेलीफोन नंबर लगवा देते हैं ताकि पता रहे इनका कौन ऊपर गया है कौन नहीं। यहाँ से 16 किलो बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी, यहाँ पर नाम पता और कुछ नहीं, बोला आराम से दर्शन करके आना, आराम से जाना, आराम से आना। अभी आगे आएगा राणा चट्टी 4 किलोमीटर, हनुमान चट्टी 7 किलोमीटर, ऐसे चढ़ाई है वह देख लो। बाइक भी मौसम तोड़ गया बीच बीच में, बिल्कुल साथ के साथ मोड़ हो जाता है। राणा चट्टी 5 किलोमीटर, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी, जानकी चट्टी 16 किलोमीटर है यहाँ से। दोस्तों ठंडी ठंडी हवा आने लगी है, यहाँ मज़ा आ रहा है, बिल्कुल धूप खिली हुई है लेकिन हवा है ना तो ठंडी है, आप इंजॉय करो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल, ऐसे मोड़ हैं देख लो, बिल्कुल खड़े ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग आवे वह बीच बीच में, बहुत अच्छा ही वाटर क्रॉसिंग है देख लो, वाटरफॉल देख। ऐसे ऐसे कई तो मिस कर गया मैं आपको कुछ रात को कुछ। देख लो यमुना जी कितनी साथ में आ गई है भाई, यमुनोत्री यहाँ से 4 साढ़े 4 किलोमीटर रह गई बस, जानकी चट्टी और वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक है, आपको पूरा दिखाया जाएगा। अभी यात्रा स्टार्ट है लेकिन कोविड के करके लिमिटेशन लगाई हुई है, 400 आदमी पर डे। और इसी वजह से आदमी बहुत ही कम आए हुए हैं यात्री, यहाँ इक्का दुक्का यात्री दिखाई दे रहे हैं अभी तो, यहाँ आगे देखते हैं वहाँ पर कितने मिलेंगे, लेकिन रास्ते में गाड़ियों से तो अंदाज़ा लगा ही, इक्का दुक्का आदमी आता बस। ऐसा रास्ता भाई कहीं टूटा कहीं टूटा कहीं साफ, झरने की वजह से पानी की वजह से बारिश से टूटा हुआ रास्ता। ऐसे ऐसे मोड़ है तो देखने बिल्कुल प्योर मोड़ है, साथ ही साथ कटाई है। दोस्तों मात्र बस 2 किलोमीटर रहेगा यहाँ से, चढ़ाई है दोस्तों बिल्कुल रास्ते में, और ऐसे ऐसे वाटरफॉल मिलेंगे रास्ते में, वाटर क्रॉसिंग। और ये देख लो आसमान का कलर देख लो पहाड़ का, धूप के लिए हुई है दोस्तों लेकिन हवा है ना वो बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही है, बिल्कुल दोपहर का टाइम है फिर भी गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल भी ठंडी है हवा। सामने पहाड़ी का कलर देखो वो बिल्कुल बर्फ गिरी हुई है, ऐसा
ये पहुंच गया दोस्तों जाने की चट्टी। ये रहा चार पांच।